जो गेम सेट मैच, आई होप आप लोग खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अ लॉट इज हैपनिंग राइट नाउ। भाई सुबह से उठे हैं और ये खबर वो खबर, पीसीबी में भी इधर से उधर ये खबरें आ रही हैं, तो इस्लामाबाद की तरफ से खबरें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जिनके हवाले से डिस्कशन होगी। साथ ही साथ ऑब्वियसली जब मैं और अदील साथ बैठे होते हैं तो आपको पता है, बट खैर हम आगे बढ़ते हैं और ये डिस्कशन करते हैं। मैं हूँ सवेरा पाशा, मेरे साथ मौजूद हैं अदील अज़हर। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग आप सबको। और यस, अपनी आवाज़ के लिए मैं माजरा ज़रूर चाहता हूँ, मौसम तब्दील हो गया है, कुछ कराची में भी सर्दी की सी फीलिंग हो रही थी, पता है आप, बिलीव इट और नॉट। और आप कहेंगे कि आज ये टी शर्ट में आगे सर्दी हो रही है, लेकिन बाहर चलें जी, सारी तफसीलात मैं आपको नहीं बताता। यस, इट्स बिन अ प्रीटी हैपनिंग डे, ना सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, बल्कि पीसीबी की पॉलिटिक्स में भी काफ़ी कुछ इस वक्त जो है वो भूचाल सा आया हुआ है और बहुत कुछ होने को है। ज़ाहिर है आज के प्रोग्राम में इसके हवाले से भी बात होगी। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की तारीखी शिकस्त का भी जिक्र होगा और आगे क्या होने वाला है वो भी बात रहेगी। लेकिन हमेशा की तरह अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं व्हाट्सएप स्पोर्ट्स के साथ। ओवर टू सवेरा। बिल्कुल जी, व्हाट्सएप एंड स्पोर्ट्स में जिस तरह मैंने शुरुआत में ही कहा कि बहुत बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इस्लामाबाद से खबरें आ रही हैं, क्या लाहौर तक अभी तक नोटिफिकेशन पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बहुत इफ्स एंड बट्स हैं। सो यस, आईपीसी ने जो है जो समरी तैयार की थी वो तैयार करके भेज दी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, मगर अभी भी सिग्नेचर्स हुए कि नहीं हुए इसमें कोई अभी इधर से उधर अफवाहें ज़रूर हैं, मगर अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है वेदर वो सिग्नेचर्स हुए कि नहीं हुए। तो समरी में जो है वो रमीश राजा और असद अली खान की जगह नजम सेठी और शकील शेख को हुकूमत की जानिब से जो है वो पीसीबी के गवर्निंग बोर्ड के रुकन मुकर्रर करने की सिफारिश की। ऑलराइट, बात करते हैं पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज के बाद अब क्या होने वाला है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलने के लिए कल कराची पहुँच रही है। तो अगर कराची वाले सोच रहे थे कि ट्रैफिक का मसला अब हल हो चुका होगा, ऐसा खुद ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है जी। बतौर कप्तान ख़राब कारकर्दगी के बावजूद न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में बाबर आजम को ही कप्तान बरकरार रखा जाएगा। सुनने में ये आ रहा है कि रिजवान को आराम दिया जा सकता है और सरफराज को उनकी जगह मौका दिया जाएगा। जो प्रॉबेबल्स जिनके बारे में ख्याल ये कि कल टीम अनाउंस कर दी जाएगी, मीर हमज़ा, उस्मान सलाउद्दीन एंड सरप्राइजिंगली यासिर शाह को एक बार फिर से मौका देने का इम्कान है। याद रहे जी, पाकिस्तान न्यूजीलैंड पहला टेस्ट मैच नेशनल बैंक क्रिकेट अरीना कराची में 26 दिसंबर से खेला जाएगा। यस, यू गॉट इट राइट, आहिस्ता आहिस्ता याद हो जाएगा। ये नाम से एनबीसी है, सबसे आसान है जिस पे हम बात कर सकते हैं। बट गोइंग ऑन फर्दर, आईसीसी रैंकिंग की बात करें तो आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग जो है वो जारी कर दी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के लबोशेन जो है मानस लबोशेन पहले नंबर पर बरकरार हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम की रैंकिंग में एक दर्जे बेहतरी हुई है और वो करियर बेस्ट दूसरे नंबर पर आ गए हैं। तीसरे नंबर पर अगर मैं कहूँ तो ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ तीसरे नंबर पर चले गए हैं और बोलर्स की रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस का पहला नंबर, इंजरी के सबब सीरीज ना खेलने वाले शाहीन शाह आफरीदी 2 दर्जे डिमोट हो गए हैं और 7वें नंबर पर चले गए। सो दिस इज ऑल फ्रॉम व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स। बट जिस तरह आप ये देख रहे हैं कि मैं और अदील दोनों एक साइड पर बैठे हैं, सो विच मीन्स कि डेफिनेटली वी हैव अ गेस्ट विद अस टूडे और बहुत ही एक कड़ी नज़र रखते हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट पे। एक बहुत बड़ी वेबसाइट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, वर्ल्ड क्रिकेट की एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, क्रिक इन्फोस के लिए ये लिखते हैं। दानियाल रसूल हमारे साथ मौजूद हैं। दानियाल, वेलकम टू दिस। थैंक यू वेरी मच सवेरा, थैंक यू वेरी मच अदील, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपने जो मुझे इंट्रोडक्शन दिया, पता नहीं मैं उसके पूरा डिजर्विंग हूँ या नहीं, लेकिन आई विल ट्राई माय बेस्ट। मुझे पहली बात सिर्फ इंटरेस्टिंग लगी जो हम शुरू करेंगे। आपने अभी से बात की कि कराची में आपको ठंड महसूस हो रही है, एज समवन फ्रॉम लाहौर मुझे तो अभी तक ठंड नहीं आपको ठंड मुझे मैं ऐसा ये करूँगा, कराची में ठंड महसूस होने का एक मखसूस टाइम फ्रेम होता है, सुबह 5:30 से 7:15 तक यहाँ सर्दी महसूस होती है, उस वक्त आप सो रहे होंगे जा रहे हैं, आई एम प्रीटी श्योर, इसलिए आपको महसूस नहीं होगी। कल मैं आपको उठा दूंगा सुबह, ठीक है, आप बाहर निकलेंगे ठंड हो रही है तो फिर वो यही हुआ सिलसिला। तो वैसे नहीं, जो लाहौर में जो सब मौसम हुआ है इस वक्त, आई वॉज जस्ट गोइंग थ्रू समथिंग, आई एम सॉरी दानियाल, और 15 डिग्री सेल्सियस एट नून, बड़ी ज़बरदस्त फॉग, तो द विंटर्स आर फाइनली हेयर। और जो विंटर्स की बात की जा रही है, ऐसा लग रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का विंटर्स भी इस वक्त चल रहा है हर लिहाज से, चाहे ऑन द फील्ड बात हो, ऑफ द फील्ड बात हो, एंड ऑफ कोर्स यू मीन द ग्लूमिनेस इज हियर, द ग्लूमिनेस इज हियर, और ऑनेस्टली स्पीकिंग वेयर इज दैट लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, इस वक्त वो समझ में नहीं आ रही। और सवेरा जाहिर है एक टॉपिक जिसको ऑफ कोर्स अपने प्रोग्राम में हम टेकअप करेंगे, जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी एक मखसूस हैशटैग के साथ एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड कैंपेन के तरीके में
अपने कप्तान को बचाने के लिए और उनके खिलाफ जो पब्लिक ओपिनियन डेवलप हुआ हुआ है उसकी धारा, उसको रुख को मोड़ने के लिए जिस तरह ट्वीट्स कर रहे हैं, इस पर भी हम दानियाल से बात करेंगे। दानियाल बहुत खूब लिखते हैं, कमाल लिखते हैं, इनके आर्टिकल्स पढ़ने में बहुत मज़ा आता है। और दानियाल ने गालबन परसों या दो दिन पहले पब्लिश हुआ था आर्टिकल बाबर के हवाले से, बाबर आजम के डिल्यूजन्स के हवाले से, उस पर भी जो है वो बात की थी। सो फिर डिस्कशन कहाँ से स्टार्ट करें सवेरा? और कादिर, बाय द वे कादिर भी हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। ठीक है, सो डिस्कशन मेरे ख्याल से हम दानियाल इससे पहले कि आपसे कॉन्वर्जेशन शुरू करते हैं, कादिर क्या अपडेट ला रहे हैं लाहौर से, उनसे जानते हैं बिकॉज ही इज राइट इन द सेंटर और वहाँ इस वक्त क्या हो रहा है पीसीबी में, क्योंकि अभी तक हमें ये तो पता है कि नोटिफिकेशन पीसीबी तक रिसीव नहीं, पीसीबी तक पहुँचा ही नहीं है। सो ये क्या बीच में अभी इस वक्त जिसको जो खबर मिल रही है वो बात कर रहे हैं, कादिर से पूछते हैं, हमें जरा कुछ ऑथेंटिकली कुछ बताइए कि व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ। सो कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद हैं। जी कादिर, तो मेरा बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, अभी तक कोई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को नोटिफिकेशन मौसूल नहीं हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चेयरमैन को हटाना इतना ईजी नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हटाने का जो तरीकाकार है वो ये है कि आईसीसी मिनिस्ट्री जो है वो समरी अटाल करती है जो कि कर दी गई है, वजीर आजम ने उसकी अप्रूवल भी दे दी है, साथ ही साथ वजीर आजम ने वजारत कानून को भी इन्वॉल्व किया है अंदर, और उसके साथ इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो आइन है 2014 का जो पुराना आइन था जिसमें ज़का अशरफ और नजम सेठी की जब झगड़ा हुआ था मामले पर चेयरमैन की, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस ने 2014 में ये आइन बनाया था, वो वाला आइन दोबारा बहाल करना है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पैटर्न इन चीफ ने, और उसके लिए वजारत कानून से भी मुशावरत मांग ली है, लॉयर्स को भी इन्वॉल्व किया गया। ये कोई छोटा मसला नहीं है, ये बहुत बड़ा मसला है। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रमीज राजा जो है वो अगर खुद मुस्ताफी होते हैं तो फिर राहें हमवार हो जाएंगी नजम सेठी के लिए। बता अब जो है वो समरी खास तौर पर ये अड़ताल की गई है कि इसको आइन को जो है वो पहले चेंज किया जाएगा, फिर उसके बाद दो नुमाइंदान अपॉइंट करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट और जो बाकी जो है चीजें हैं वो बहाल हो जाएंगी। 2014 का आइन जो था उसको डिस्क्वालीफाई किया, नया आइन बनाया 2019 में, और उसके बाद जो है वो ये सब चीजें चलती भी आ रही थी। 2014 के आइन में ये था कि जो बोर्ड ऑफ गवर्नर थे वो उसमें चार एसोसिएशन के मेंबर्स थे, फिर उसके बाद चार डिपार्टमेंटल मेंबर्स थे, फिर एक आईपीसी का मिनिस्टर मेंबर था जो जिसके पास वोट ऑफ राइट नहीं था, जो राइट ऑफ वोट नहीं था, फिर उसके बाद आप ये देखें कि दो जो नुमाइंदगान थे वो वजीर आजम की तरफ से अपॉइंट ही होते थे। अभी जो है वो सिस्टम ये है कि अभी जो बोर्ड ऑफ मेंबर जो गवर्नर हैं उनमें थोड़ी सी फिलहाल चेंज है और उसमें एसोसिएशन भी होते हैं, उसमें बाकी जो एसोसिएशन के नुमाइंदा ने तो तीन साल से शिरकत नहीं की किसी भी तरह, हमने इनको एक्टिव भी नहीं देखा। अलबत् उनकी मुतबादल के तौर पर ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन और डेफ क्रिकेट एसोसिएशन के नुमाइंदान को वोट ऑफ राइट दिया गया। फिर उसके बाद अभी जो अभी सिस्टम ये है कि सबसे पहले जो चीजें तय हो रही हैं वो वजारत कानून और तमाम लोगों से मुशावरत के बाद अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अहदेदारान चेयरमैन अदालत में भी जाते हैं इस जो डिसीजन को चैलेंज करने के लिए, तो उससे निपटने के लिए भी सवेरा उन्होंने पूरा इख्तियार वजारत कानून को दिया है वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने और जो कि पैटर्न इन चीफ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। तो ये थोड़ा सा बड़ा ये छोटा मोटा मसला नहीं है, ये पूरा एक पूरी कहते हैं कि बुक है जिसको पढ़ने के बाद आपने मसला हल करना है। अच्छा कादिर, एक चीज़ जो मैं आपसे एक क्लैरिटी चाहती हूँ, ये तो हम बात कर रहे हैं कि हम 2014 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अप्लाई करें उसके बाद ये सारी चीज़ें हों, विच मीन्स वो डिले आएगा, जाहिर सी बात है वो अप्रूवल के लिए असेंबली में वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जाएगा एंड देन वो अप्लाई होगा। बट 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन की हम जब बात करते हैं तो 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन में पेट्रन को ये राइट है कि उसने जिन दो लोगों को नॉमिनेट किया बीओजी के लिए वो डीनोटिफाई कर दें, उनको डीनोटिफाई करके उनको स्टेप डाउन करवा दें और दूसरे दो जो नुमाइंदे वो भेजना चाहते हैं अपने अपनी तरफ से वो उनको भेज दें। क्या ये इस तरह स्ट्रेट फॉरवर्डली नहीं हो सकता? देखिए, ये मैं आपको पहले बताया कि इतना इजी नहीं है ये चीजें, अगर दो अपॉइंट तो कर सकते हैं, अपॉइंट का कोई इशू नहीं है, लेकिन जो अंदर लोग हैं अगर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मुस्ताफी नहीं होते, पैटर्न इन चीफ के पास अपॉइंटमेंट उसके नामजदगी का इख्तियार जरूर है लेकिन उसको आप मुंतखब करने का इख्तियार पाकिस्तान पैटर्न इन चीफ के पास नहीं है, वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास है। और अगर रमीज राजा खुद मुस्ताफी होते हैं तो फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो दो नाम नॉमिनेट होंगे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उनको उनके दरमियान वोटिंग होगी। आप ये देखिए चेयरमैन तो कभी भी मुंतखब नहीं करता,
असल में देखिए बात जो है समझने की यहाँ पर ये आई थिंक हम पैटर्न इन चीफ बिल्कुल मुंतखिब नहीं करता, पैटर्न इन चीफ बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के पास भेजता है दो नाम। अब जिस तरह मलक असद अली असदुल्ला खान थे और उसके साथ रमीज राजा का नाम किया था, फिर उनको ये होता ये है कि एक फॉर्मेलिटी होती है वोटिंग की, वोटिंग होती नहीं है, जस्ट आपने जिनको नामजद करते हैं चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, जिस तरह एहसान मानी थे इमरान खान ने नामजद किया था वही हुए अपॉइंट, उसके बाद अब रमीज राजा को नामजद किया था तो वही अपॉइंट हुए थे। अब ये सिस्टम ये है कि सबसे पहले जो अंदर आने के लिए चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनने के लिए नजम सेठी जो ये तरीकाकार जानते हैं, जो पुराने खिलाड़ी हैं जिनका जक्का अशरफ के साथ भी इसी तरह मामले पर काम खराब हुआ था जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने ये अपॉइंट किया था उनको, तो इस वजह से जक्का अशरफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम तर आइन को देखा था और फिर नया आइन उनके रिटायर्ड जजेस ने बनाया था, 2014 में जो आइन बना था उनके रिटायर्ड जजेस ने बनाया था, वो इस वजह से ये थोड़ी सी कॉन्सिक्वेंसेज हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और पैटर्न इन चीफ के दरमियान जो चलती हुई आ रही हैं वो इसलिए वजीर आजम ने थोड़ा सा डिले किया था क्योंकि पहले भी नजम सेठी आपको याद होगा कि मुलाकात हुई थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ भी उधर लंदन में और उसके बाद शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई थी, ये पुराने तरीकाकार चलते हुए आ रहे हैं। अब थोड़ा सा ये है कि अब आपने जो आइन है उसको चेंज करना है और फिर उसके बाद आपने अपना बंदा देना है। अगर उनके पास एक जी कादिर की भी बहुत गहरी निगाह है और ऑफ कोर्स जैसे स्टोरी डेवलप होती रहेगी कादिर के साथ हम इन टच रहेंगे बिकॉज कदाफी स्टेडियम लाहौर इवेंचुअली ये सारी चीज़ें वहीं कल्मिनेट होनी है। लेकिन एक बात जो है ज़ाहिर है वो ये कि पिछली गवर्नमेंट के दौरान और पिछली जो मामला थे इसके दौरान जो जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको इतना एयर टाइट कर दिया गया था कि एक जुम्बुश कलम से जो है वो चेयरमैन को हटाना या लगा देना इतना आसान सिलसिला रहा नहीं था। सो दोज़ हू आर थिंकिंग कि ये एक नोटिफिकेशन और इनसे चीज़ हो जाएगा, आई एम प्रीटी श्योर द गवर्नमेंट वुड हैव डन द होमवर्क। दानियाल पे मैं आता हूँ, दानियाल व्हाई डू यू थिंक, ज़ाहिर है आप कहेंगे मुझे क्या पता क्यों हो रहा है लेकिन आपको क्या लगता है ये क्या इज इट अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ द चेयरमैन, यू जस्ट सी दैट पॉलिटिक्स यहाँ पे हो रही है या क्या हो रहा है? रमीज यस वेरी आउट स्पोकन गाय, बहुत मीडिया से भी थे, कई बातें बोल दिया करते रहे जो हम भी कहते थे यार ज़रूरत नहीं थी, एक अपने मखसूस अंदाज से लेकर चल रहे थे, अ लॉट ऑफ पीपल कॉल इट प्रीटी एरोगेंट एज वेल, बट डू यू रियली थिंक एक मुल्क में जहाँ ऑलरेडी सो मेनी कन्फ्यूजन, एक ही स्पोर्ट हमारा है उसमें भी ये हमने एक टर्मोइल क्रिएट कर दिया है? देखिए देयर आई थिंक के दो सेपरेट इश्यूज हैं, देयर एक है चेयरमैन रमीज राजा की परफॉर्मेंस और एक है द रीज़न के उन्हें पोटेंशियली अगर वो एक पुश है रिमूव करने की या रिप्लेस करने की तो उसकी रीज़न। और पाकिस्तान में अगर आप सिनिकल नहीं भी हैं तो आपको ये प्रॉबेबली पता होगा कि जो उनकी परफॉर्मेंस है उसका शायद रेलेवेंस नहीं है टू वेदर वो रिमूव होते हैं, यानी इसका शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम से भी रेलेवेंस नहीं है, पाकिस्तानी सीरीज 3-0 हार रहे होते या 3-0 जीत रहे होते तो शायद यही डेवलपमेंट्स चल रही होती। लेकिन क्योंकि हर गवर्नमेंट का एक पैटर्न रहा है कि जो पिछले चेयरमैन पिछली गवर्नमेंट के अपॉइंटेड या नॉमिनेटेड चेयरमैन हैं उनके साथ ज़्यादा देर गवर्नमेंट की एक सुलह या फिर एक रिकन्सिलिएशन नहीं रह सकी। और अब इस दफ़ा भी हम ये देख रहे हैं कि अगर रमीज राजा ने रिज़ाइन करना होता तो आपको ये पता है कि जब इमरान खान आए थे तो नजम सेठी ने अपनी रेजिग्नेशन टेंडर की थी तो प्रोसेस रिलेटिवली स्मूथ हो गया था। बट इफ रमीज राजा रिफ्यूजेस टू गो तो उनका राइट है इस प्रोसेस को ज्यादा लॉन्ग ड्रॉन आउट करने का, क्योंकि अगर उन्होंने जाना होता तो शायद वो अप्रैल में चले जाते, अगर अप्रैल में नहीं गए तो शायद नवंबर में चले जाते, बट उन्होंने कोई इंडिकेशन इस चीज़ की नहीं शो की। उनकी परफॉर्मेंस उनकी ज़ाहिर है लेगेसी उसी पे जज होगी, लेकिन उनका जो रीज़न फॉर रिमूवल है उसका शायद हम सबको ये समझ आए कि इट हैज़ नथिंग टू डू विद हिज परफॉर्मेंस, इट मोर लाइकली हैज़ टू डू विद जो सेंटर में क्या इस वक्त पॉलिटिकल सिचुएशन। बिल्कुल, और मतलब इसमें बहुत सारी आपको हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात तो कर रहे हैं मगर लीगली आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी वेदर कहीं लीगल स्टैंड रखते हैं रमीश राजा टू गो टू द कोर्ट कि वो इस पर केस कर सकें कि नहीं जी, या तो केस भी नहीं स्टे ऑर्डर ले सकें सिर्फ कि ये जो है दिस इज एनीथिंग दैट्स हैपनिंग दैट्स रॉन्ग। मगर फिर एक और चीज़, अब मैं दूसरी तरफ एक और चीज़ पूछती हूँ, मे बी मुश्किल होगा जवाब देना, जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं इज दैट राइट और रॉन्ग? बिकॉज हमने बहुत रेगुलरिटी में ये देखा है गवर्नमेंट चेंज होती है चेयरमैन बदलता है, ओवरहॉलिंग हो जाती है, फिर गवर्नमेंट चेंज होती है फिर चेयरमैन बदलता है फिर ओवरहॉलिंग हो जाती है। हम पिछले मेरे ख्याल से 2003 से हम सिर्फ यही सुन रहे हैं, वी आर इन रीबिल्डिंग फेज, वी हैव बीन रीबिल्डिंग सिंस 2003। मैं तो मुझे तो आपको शायद और पहले से याद हो तो मुझे पता नहीं, बट 2003 से आई हैव बीन लिसनिंग टू दैट। आपको लगता है कि ये हमारी जो एक आधा स्पोर्ट रह गया उसके लिए बहुत बहुत बुरी चीज़ है? आई थिंक हमेशा से गवर्नमेंट भी रीबिल्डिंग फेज में रही है, इकॉनमी भी, पॉलिटिक्स भी, तो इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि क्रिकेट को भी उसी जो उसके प्रॉब्लम्स है उससे सफ़र करना पड़ेगा। पहली चीज़ वी नीड टू कीप इन माइंड कि एक
थोड़ा सा वी शुड बी प्लेइंग अ डेंजरस गेम के याद रखें कि आईसीसी जो है बहुत सीरियस व्यू लेती है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का. फुल मेंबर जिस तरह जिम्बाब्वे थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था क्योंकि गवर्नमेंट इंटरफेरेंस का. श्रीलंका केम वेरी क्लोज. तो इसलिए अगर आईसीसी पाकिस्तान के साथ एक लीनियंट व्यू ले रही है दैट डज नॉट मीन कि ये हमेशा कंटिन्यू करेगा या फिर इस पे कोई ना कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता. लेकिन कमिंग टू वेदर ये पाकिस्तान के लिए अच्छा है. हमने देखा था कि जब एहसान मानी आए थे और उसके बाद उनके साथ वसीम खान आए तो उन्होंने कोशिश की थी कि एक इस तरह की कॉन्स्टिट्यूशन बना दें कि वो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस प्रूफ हो जाए जिसके अंदर चेयरमैन से भी पावर्स लेके वो सीईओ की तरफ या फिर वसीम खान की तरफ ले आए. विच इज़ वाई जिस तरह कादर ने हमें इतनी डिटेल में समझाया था कि काफ़ी लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसीजर है अगर आपने चेयरमैन को रिमूव करना है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ये है कि पाकिस्तान में तो है कि इफ़ द गवर्नमेंट वॉन्ट्स के कोई चीज़ हो तो चाहे उसे टाइम लगे वो हो जाएगी. रमीश राजा के पास सर्टनली राइट है स्टे ऑर्डर लेने का. मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ है जिस पर स्टे ऑर्डर नहीं लिया जाए. पाकिस्तान में हर चीज़ पर स्टे ऑर्डर तो ले लिया जाता है. लेकिन ही हैज़ द राइट. अब उनकी अगर एपेटाइट है ये करने की या नहीं या अगर वो करते हैं तो उसके लिए वो कितने पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेज बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं वो इट्स वेरी मच अप फॉर डिबेट. और ज़ाहिर है इसमें जो सवेरा ने बात की एंड आई थिंक यहाँ पे जो दानियाल का पॉइंट था अबाउट द आईसीसी. देखिए रमीज़ राजा ने पिछले पूरे साल अगर एक काम किया है क्योंकि बीसीसीआई को धमकियाँ बड़ी दी हैं मैं ये कर दूंगा मैं वो कर दूंगा वर्ल्ड कप नहीं खेलूंगा ये नहीं करूंगा फलाना. और इंडिया से आप बिल्कुल एक्सपेक्ट ना करें कि वो आपके साथ कोई हमदर्दी या कोई लीनियंसी शो करेगा. नहीं बट वो उन्होंने नहीं दिया अबाउट फैंस ने कहा वेल अबाउट वी नो वेल अबाउट द इन्फ्लुएंस दैट इंडिया एंजॉयज देयर ऑन बीसीसीआई. पाकिस्तान को कहीं पर भी हिट करना है तो वो क्रिकेट एक जगह होती है जहाँ पर आप वाकई हिट कर सकते हैं. तो हमारे अरबाब इख्तियार को भी ये सोचना चाहिए कि एक ज़बरदस्ती का जैसे कहते हैं कि एक कॉन्ट्रोवर्सी और एक इशू क्रिएट करने के बजाय चलने दें मामला. टेक इट इन अ वेरी लीगल मैनर बिकॉज दानियाल इज स्पॉट ऑन. जो है उस जो हमारे यहाँ स्टे ऑर्डर लेना होता है ये लिटरली एक पेशी का काम होता है. अच्छा जी ज़रा बात करते हैं अभी जो सीरीज़ होने वाली है न्यूजीलैंड की. कादिर एक बार फिर से हमारे साथ हैं. शुक्र है हमने रब्ता डिस्कनेक्ट नहीं किया था कादिर के साथ फिर फ़ोन को मिलाना पड़ता. तो कादिर हमारे साथ मौजूद हैं टीम सिलेक्शन के हवाले से. कादिर कोई अपडेट लेकर आए हमारे पास न्यूजीलैंड के लिए. जी कादिर ओ आई थिंक जी कादिर आपको जी कादिर आपको आवाज आ रही है. देखिए टेस्ट हाँ बिल्कुल टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हो गया है और न्यूजीलैंड के हवाले से अभी ताज़ा खबर आई है कि अब्दुल्ला शफीक अबरार अहमद हसन अली की वापसी हुई है स्क्वाड में और कामरन गुलाम आए हैं और इसके साथ साथ मोहम्मद नवाज रिजवान मोहम्मद नसीम जूनियर नसीम शाह की वापसी हुई है. चूंकि इसलिए डिले हो रहा था कि नसीम शाह की फिटनेस रिपोर्ट मौसूल नहीं हुई थी और अभी दो घंटे पहले मीटिंग भी चल रही थी चीफ सिलेक्टर की हेड कोच की कप्तान की और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की. तो अब तो मीटिंग खत्म हुई है तो उसके बाद ये ऐलान हुआ है. सऊद शकील हैं शान मसूद है जाहिद महमूद हैं फहीम अशरफ जो है वो हमें नहीं नजर आ रहे और फहीम अशरफ जो है स्क्वाड से बाहर हो चुके हैं. तो आप ये देखिए कि टेस्ट स्क्वाड में मैं दोबारा आपको बताऊं कि बाबर आजम कप्तान अब्दुल्ला शफीक अबरार अहमद हसन अली इमामुल हक कामरान गुलाम मोहम्मद नवाज मोहम्मद रिजवान मोहम्मद असीम जूनियर नसीम शाह नौमान अली सरफराज अहमद सलमान अली आगा सऊद शकील शान मसूद और जाहिद महमूद. खबर मैंने आपको ये देनी थी कि जो उस्मान सलाउद्दीन और मीर हमजा और यासर शाह उनके नाम पर कोई भी नहीं माना. तो सिलेक्शन कमेटी ने ये नाम पुट किए थे चीफ सिलेक्टर और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इनके नामों पर क्रॉस लगा दिया गया था. तो अभी ये टेस्ट स्क्वाड भी आपके सामने आ चुका है और नसीम शाह की जो है वो आए हैं और इसके साथ साथ जो ऊपर लिखा गया है कि हारिस रऊफ ये इंक्लूडेड नहीं है इस स्क्वाड में अभी तक वो रिकवर नहीं कर पा रहे इंजरी से तो इसलिए वो अभी तक जो है वो टेस्ट स्क्वाड में वापस नहीं आए हैं. तो फास्ट बॉलिंग में नसीम शाह आए हैं और उसके साथ हमारा जो फास्ट बॉलिंग जो है उसमें वसीम जूनियर हैं और फिर उसके बाद नसीम शाह हैं. तो आप ये देखिए स्पिनर्स को ज्यादा रिलाई किया गया कामरान गुलाम की शमूलियत हुई है और इसके साथ साथ हसन अली हैं हमारे पास फास्ट बॉलिंग में. हसन अली वापस आए हैं डोमेस्टिक में चले गए थे उनको रेस्ट करवाया गया था. तो ये टीम जो है वो अब टेस्ट स्क्वाड अनाउंस किया गया है और 23 तारीख को ये रिपोर्ट करेंगे कराची में और उसके बाद ये 24 और 25 को प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे और 26 से मैच का आगाज होगा. बिल्कुल जी. सो थैंक यू कादिर थैंक्स अ लॉट फॉर अपडेटिंग अस. टेस्ट को सामने आ गया वर्सेस न्यूजीलैंड जो कि 26 तारीख से टेस्ट शुरू होने वाला है. मैं एक दफ़ा टेस्ट स्क्वाड रिपीट कर देती हूँ. बाबर आजम अब्दुल्ला शफीक अबरार अहमद हसन अली इमामुल हक कामरान गुलाम मोहम्मद नवाज मोहम्मद रिजवान मोहम्मद वसीम जूनियर नसीम शाह नुमान अली सरफराज अहमद सलमान अली आगा सऊद शकील शान मसूद एंड जाहिद महमूद. सो मोहम्मद रिजवान रेस्ट क्यों नहीं करते मुझे समझ नहीं आता कि
क्यों वो रेस्ट नहीं करते? कभी कभार किसी इंसान को तो रेस्ट की जरूरत होती है दानियाल। पाकिस्तान में एक पैटर्न है कि एफ प्लेयर तीन फॉर्मेट खेल रहे हैं तो वो तीन फॉर्मेट खेलना चाहते हैं। पाकिस्तान में वो कल्चर के एक प्लेयर रेस्ट करेगा या फिर किसी सीरीज़ के लिए सेट आउट करेगा वो इस्टेब्लिश उस तरह से नहीं हुआ। आप देखते हैं नॉर्मली आई थिंक इससे पहले जब बिफोर रिजवान आए थे तो सरफराज अहमद पाकिस्तान की टीम में थे, वो भी दो तीन साल इस तरह लगातार खेले। आई थिंक मैनेज करना प्लेयर्स को मैनेजमेंट की ज़रा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि प्लेयर्स में भी ज़रा थोड़ी सी ज़ाहिर इनसिक्योरिटी रहती है। कोई भी प्लेयर स्पेशली जब उनकी फॉर्म का एक डिफिकल्ट वक्त चल रहा हो तो खुद रेस्ट नहीं करना चाहते। तो मोहम्मद रिजवान का टेस्ट में वो एक सिचुएशन है और स्पेशली क्योंकि एक रिप्लेसमेंट है जो ऐसे लगता है कि कभी भी उन्हें रिप्लेस करने के लिए आ सकती है। तो आई डोंट थिंक कि उन पे ये डाला जा सकता है। वो आगे इट्स अ कॉल जो कि चीफ सेलेक्टर लेते हैं और पीसीबी लेती है और मैनेजमेंट लेती है, बट फॉर नाउ दे हैव डिसाइडेड कि उन्हें एक बैकअप आइदर वे चाहिए और दो कीपर्स चाहिए स्क्वाड। और जो बहुत मज़ेदार बात हुई है वो ये हुई है कि जी हसन अली को कायद आजम ट्रॉफी खेलने के लिए वापस भेज दिया था और इस वजह से अब उनको टीम में वापस लाया गया। हसन अली की परफॉर्मेंस मुलाहिजा कीजिए, कायद आजम ट्रॉफी में सदर्न पंजाब के लिए खेलते हुए 6 मैचेस में हसन गॉट 14 विकेट्स एट एन एवरेज ऑफ 40, ठीक है जी, एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 72, यानी हर 12वें ओवर के अख्ताम पे एक विकेट ले रहे थे वो। ये ऐसी कौन सी कारकर्दगी है कि जिसकी बुनियाद पे हसन को टीम में पाकिस्तान की वापस लाया गया है? मीर हमजा की बात की जा रही थी, 4 मैचेस में 16 विकटें, यानी हसन से ज़्यादा 2 मैचेस कम खेले और उनसे विकटें भी उन्होंने ज़्यादा ली हैं एट एन एवरेज ऑफ 24। सो बहरहाल दिस पाकिस्तान क्रिकेट थिंग वर्क्स इन मिस्टीरियस वेज। सिलेक्शन ख़ास तौर से ये जो हम बुराई देख रहे हैं, जो हमें एक तारीखी हजीमत उठानी पड़ी है, ये वजूहात होती हैं। अब क्या होगा जी, शैल वी एक्सपेक्ट अ ट्वीट फ्रॉम हसन अली? सोचना भी मना है। नहीं, मुझे सिर्फ ये एक मेरी इन्फॉर्मेशन थी, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि हसन अली को ये सिर्फ एज एन ऑप्शन देख रहे थे क्योंकि सडनली पाकिस्तान के 3 फ्रंटलाइन फास्ट बॉलर्स अनअवेलेबल हो गए थे और उनकी रिप्लेसमेंट में 3 जो 4 में से बॉलर्स इन्होंने खिलाए थे वो अपना डेब्यू कर रहे थे और चौथे थे नसीम शाह जो कि ऑल ही स्टिल अ टीनेजर, तो बहुत एक यंग और इनएक्सपीरियंस स्क्वाड था। तो मेरी ये अंडरस्टैंडिंग है कि हसन अली को सिर्फ इसलिए स्क्वाड में रखा गया है, एक तो क्योंकि उन्होंने पिछले टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं इन हिज करियर, वो समझा जाता है कि एक ज़रा स्ट्रीकी बॉलर है कि जब एक अच्छी फॉर्म में आ जाएँ तो वो एक एसेट टू हैव हैं। मीर हमजा वाला आपका क्वेश्चन इज़ फेयर। मेरी सिर्फ यही, मैं तो सिर्फ यही समझ सकता हूँ कि क्योंकि उन्होंने उतनी टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली तो वो ही एक वजह हो सकती है। आपने देखा है कि हेड कोच में से क्लैन मुश्ताक ने कहा था कि जो प्लेयर्स साथ हों उनके साथ उन्हें जस्टिस के लिए उनकी काफ़ी एक ऑब्सेशन थी। तो मुझे सिर्फ यही लगता है कि क्योंकि वो हसन अली का एक्सपीरियंस है और एक फेमिलियरिटी है स्क्वाड में, तो और वो आई थिंक इनर सर्कल में भी आते हैं बाबर के, इज़ प्रीटी क्लोज टू बाबर एज़ वेल, ये भी एक वजह हो सकती है। बाबर के ऑब्वियसली ही समवन जो कि समझा जाता है कि ही इज इन दैट सर्कल। बट दानियाल, टाइम एंड नाउ हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में सुनते रहे, क्लैन मुश्ताक साहब ने, हमारे हेड कोच ने जो है बार बार एक बात की, पाइपलाइन, ये लड़का पाइपलाइन में पहले था, इसको इसलिए पहले ले आया, सलमान अली आगा को पहले इसलिए ले आया क्योंकि ये पाइपलाइन में पहले थे। तो फिर यहाँ पाइपलाइन कहाँ चली जाती है जब हम इस तरह की कहीं एक इंक्लूजन देखते हैं कि अचानक से पाइपलाइन में कोई और आ जाता था? सवेरा, आप सकलैन मुश्ताक से कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट कर रही हैं। वो एक एक पैटर्न है जिसका हर जो नया एक टेस्ट मैच होता है या नई प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें एक पैटर्न का एक ऐसी नई एलिमेंट आती है कि आपको लगता है कि जो जिस पैटर्न की मुझे समझ थी वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सो इट्स वेरी हार्ड, पिछला ऑब्सोलीट हो जाता है और नया आ जाता है। इट्स वेरी हार्ड टू से। लेकिन दूसरा एक इसमें फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि ये दिस इज नॉट अ वे कि बाकी टीम्स अपने स्क्वाड सेलेक्ट करती हैं। हमने देखा है कि हैरी ब्रुक किसी भी टेस्ट मैच की पाइपलाइन में नहीं थे इंग्लैंड के लिए, एंड ही केम एंड ही स्कोर 300। वो तो T20 के प्लेयर लार्जली उसमें उनका सक्सेस था, इवन दो ही डन वेल इन द काउंटी चैंपियनशिप। लेकिन ये सकलैन मुश्ताक की एक जो आइडिया है कि हम जिन प्लेयर्स के साथ फेमिलियर हैं, जिनको ला रहे हैं, ये मैंने पहली दफ़ा जाहिद महमूद की सिलेक्शन को जस्टिफाई करने के लिए सुना था, उससे पहले मैंने नहीं सुना। सो इसलिए वही आपको बता सकते हैं कि उनकी इस दफ़ा क्या रीजनिंग है, उनसे पूछा जाए तो शायद वो ओपनली बता भी दें, लेकिन इस वक्त मैं उसके अलावा आई कांट थिंक ऑफ अ रीजन। क्योंकि ये तो टेस्ट की बात करें, आमिर जमाल बीच में आ गए थे फिर एकदम से, वो एक पैरा ट्रूपर थे, वो अचानक से एक वाइल्ड कार्ड से आ गए थे। सो वो पाइपलाइन, वाकई आप सही कह रहे हैं कि वो समझ नहीं आती है। बट यस, बहुत सारी आवाज़ें उठ रही थी कामरान गुलाम के लिए। सो कामरान गुलाम आपको स्क्वाड में देख रहे हैं, विच मीन्स एक तरफ तो जो सारा एक आवाज़ थी, शोर था, उसको मिनिमाइज कर दिया कामरान गुलाम। वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीरीज़ में आपने देखा पिछले साल में कि पाकिस्तान की सडनली बैटिंग एक काफ़ी एक ट्रांजिशनल फेज में आ गई है। बाबर आजम के अलावा इस वक्त शायद कोई भी प्लेयर नहीं है जो कि आप कह सकते हैं कि प्रॉपर कंफर्टेबल फॉर्म में। अब्दुल्ला शफीक का स्टार्ट करियर का अच्छा था लेकिन इस सीरीज़ में थोड़ा सा उन्हें मुश्किल आई। अजहर अली अब रिटायर हो रहे हैं, मोहम्मद रिजवान स्ट्रगल कर रहे हैं। इस वक्त ये भी क्लियर नहीं है, इमामुल हक की इंजरी थी लेकिन उनकी भी पिंडी टेस्ट के अलावा उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं रही। शान मसूद अभी इस्टेब्लिश करने में अपने आप को स्ट्रगल करें। तो सडनली एक ऐसा फेज़ आ गया कि बाबर को काफ़ी ज़्यादा लोड बैटिंग का उठाना पड़ रहा है। आपने देखा, आपने जिक्र किया था, वो सेकंड अब
रैंकिंग्स में भी आ गए हैं लेकिन उनके इर्द गिर्द बैटिंग सपोर्ट नहीं है जी। तो अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट को वैल्यू करते हैं और तो उसके अंदर आपने कामरान गुलाम को उसके लिए रिवॉर्ड किया, लेट्स होप कि वो स्टेप अप कर सकते हैं। लेकिन हमने ऑब्वियसली देखा है कि कायदे आज़म ट्रॉफी में और इंटरनेशनल क्रिकेट में जो गैप है वो काफ़ी बड़ा है। इंग्लैंड में आप ये देखते हैं कि काउंटी चैंपियनशिप से शायद ज़्यादा कंफर्टेबली प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो अभी भी क्योंकि गैप है तो ये एक थोड़ा सा एक लॉटरी होगी कि शायद वो लेकिन अगर इस बार हम देखें कम अज़ कम जो इंग्लैंड वाली सीरीज़ है इसमें इस साल पाकिस्तान के बॉलिंग में टॉप परफॉर्मर अबरार थे, ही वॉज स्काउटेड इन टू द साइड, आते ही परफॉर्म करना शुरू कर दिया। सऊद शकील इस साल ही हैड एन एक्स्ट्रॉर्डनरी कायदे आज़म ट्रॉफी, हुरैरा वॉज द टॉप रन गेटर। आई वॉज ऑनेस्टली मुझे लग रहा था कि शायद हुरैरा को लाया जा सकता है और मुझे अभी तक वाकई वजह समझ में नहीं आ रही है कि क्या अब जब हम खिलाड़ियों को इतना कच्चा तोड़ लेते हैं, एक सीज़न में चल गया उसको ले आओ चार मैचेस, आई मीन मोहम्मद वसीम की टीम में आने की क्या वजह थी, वी हैव गॉट नो आइडिया। सो हुरैरा इज़ समवन हु हैज़ गॉट लोड्स एंड टन्स ऑफ रन्स बिहाइंड हिम, वो टीम में नहीं आता। सो थोड़ा बहुत तो कायदे आज़म कम अज़ कम हमारी कंडीशन में तो कायदे आज़म ट्रॉफी वाला एक एलिमेंट एक फैक्टर है दानियाल, कम अज़ कम इस साल तो ये चीज़ देखने में आई है इन दोनों खिलाड़ियों के केस में। सऊद I think at times was even more consistent than Babar in this series. मैं खाते ज़्यादा reliability उसने show की। I mean he's just two runs short. And you never know अगर वो बहुत ही वो जो एक decision जो के inconclusive decision पता नहीं क्या क्या अजीब से rules होते हैं that was not out. We all know that was not out. अगर वो रुक जाता तो शायद he could have won the game for us as well there. So I think थोड़ा तो wait हमें देना पड़ेगा कायदे आज़म trophy की performance को। देना तो चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप कायदे आज़म ट्रॉफी का वेट नहीं दे रहे तो और कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तान का पाइपलाइन इसी के थ्रू आता है अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट, कोई भी कंट्री की डोमेस्टिक क्रिकेट जहां पे स्ट्रांग होती है वहां पे वो इंटरनेशनल क्रिकेट में ट्रांसलेट करता है। हुरैरा का केस इंटरेस्टिंग है, मैं नॉर्मली ये कहूँ कि हुरैरा को बिल्कुल इंक्लूड करना चाहिए लेकिन मैंने ये भी देखा है कि पाकिस्तान में एट टाइम्स प्लेयर्स बहुत जल्दी सेलेक्ट होते हैं और उनकी कॉन्फिडेंस काफ़ी जल्दी खराब कर दी जाती है। वो दो लगातार सीजन अब हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं डोमेस्टिक सीजन में बट ही स्टिल ओनली 20। मुझे पूरी उम्मीद है कि एट सम पॉइंट इस फॉर्म के साथ वो टीम में आएंगे और मैं भी आई थिंक आई एम एज एक्साइटेड एज एनीवन टू सी कि वो करते क्या हैं। शायद लेकिन अगर पाकिस्तान इस वक्त इतने एक डिप्रेसिंग स्टेट में है टेस्ट क्रिकेट में तो इस वक्त उन्हें लाना और वो दो टेस्ट ना परफॉर्म करें फिर उन्हें डिस्कार्ड कर देना शायद वो एक्चुअली वुड बी वर्स फॉर हिम। सो इससे बेहतर है कि उनको टाइमली उस पर लेकर के वापस पर डोमेस्टिक में भेज के भूल ना जाया जाए बिकॉज बहुत दफ़ा ये पास में होता रहा। बट वक्त इस वक्त ब्रेक का हुआ है, गेम सेट मैच पर डिस्कशन हम वापस आएंगे तो यहीं से करेंगे। Welcome back to Game Set Match. Adil और सवेरा आपके साथ मौजूद हैं। What a day this has been. Like खबरें ऐसे आ रही हैं। मैं खेलों की बात कर रहा हूँ। मैं सोचा था कि थोड़ा सा फुटबॉल की बात करेंगे। ब्यूनस आयरस में क्या सेलिब्रेशंस हुई हैं, मोरक्को में क्या सेलिब्रेशंस हुई हैं, बादशाह सलामत टीम से मिल रहे हैं और लेकिन क्रिकेट मौका ही नहीं दे रहा। पहले ये चेयरमैन का कजिया हुआ, अभी आपको पता चला होगा कि न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले दो टेस्ट मैचेस के लिए पाकिस्तान स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया और हसन अली एंड कामरान गुलाम, हसन अली इज मेकिंग हिज कमबैक फॉर व्हाटएवर रीजन और कामरान गुलाम बेस्ड ऑन द टन्स ऑफ रन्स दैट हैव स्कोर्ड इन डोमेस्टिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जलवा अफरोज हो रहे होंगे। हाउएवर मैं अभी ट्विटर फीड अपनी देख रहा था, ट्विटर पे इस वक्त पाकिस्तान में नंबर 4 पे ट्रेंड कर रहा है हैश सोचना भी मना है, सोचना भी मना है, गलत लिखी हुई है इसकी लेकिन बहरहाल क्या बोलें ऐसा लग रहा है वो बी ई लिखा हुआ है, सही मैसेज नहीं पहुंचा मुझे लग रहा है, सही उन्होंने कॉपी पेस्ट किया नहीं है व्हाट्सएप में। लेकिन बाकी ऐसा लग रहा है कि जिस तरह मुख्तलिफ कंपनियां जैसे PSL ने अभी अपनी ड्राफ्ट में क्या था उनका वो सोच है आपकी, उन्होंने जिस तरह हैशटैग चलाया था, ऐसा लग रहा है कि बाबर की कप्तानी के हवाले से उनकी कप्तानी के लिए पब्लिक सपोर्ट दिखाने के हवाले से एक काफ़ी कोऑर्डिनेटेड कैंपेन चल रही है। कल रात सोते हुए मैं बड़ा गुस्से में और कर्ब में सोया था जब मैंने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के टॉप खिलाड़ी जिनमें शाहीन शाहफरीदी भी शामिल हैं वो ट्वीट करके सो रहे हैं बाबर मेरा यार है और ये फलाना है, इसको कोई नहीं बोलेगा और पता नहीं क्या बातें चल रही थी। सो वो राहत फतेह अली खान वाला मीम याद आ गया मुझे, देखा होगा शायद आपने ना मेरा यार है ये और ये वाली कहानी। सो दानियाल से जरा इसके ऊपर बात करते हैं। दानियाल व्हाट सिग्नल आर वी गिविंग टू द वर्ल्ड, लाइक एक कप्तान है ही हैज लॉस्ट 4 टेस्ट इन अ रो, सही है जी, क्रिटिसिज्म बनता है, पाकिस्तान की तारीख में अनप्रेसिडेंटेड वाकया है ये। और मैं हमेशा जो एक बात बोल रहा होता हूँ दैट बाबर एक वो कप्तान है हु हैज गॉट एडमिनिस्ट्रेटिव टेलविंड्स विद हिम, यानी हमारे यहाँ कप्तान होते हैं उनके यहाँ टीम बंदियाँ हुई हुई होती हैं, ग्रुप बंदियाँ हुई हुई होती हैं, PCB का कोई सेलेक्टर नाराज़ होता है उनसे चेयरमैन, बाबर तो इज़ एन ऑल पावरफुल कैप्टन, फिर भी ये रिजल्ट्स आ रहे हैं, फिर ये कैंपेन चल रही है, इस पे व्हाट्स योर टेक ऑन दिस?
आई थिंक अगर आपने इस पर सबसे एक पॉजिटिव स्पिन पॉसिबल देनी हो तो आप ये कह सकते हैं कि शायद एक तो जो टॉप प्लेयर्स हैं वो अपने कैप्टन से दे आर स्टैंडिंग बाय, तो उस पर एक तरीके से आप लोग कह सकते हैं कि यू आर बैकिंग द कैप्टन, राइट। लेकिन जो स्टेटमेंट्स थी वो कुछ इतनी ऑलमोस्ट अग्रेसिव या स्ट्राइडेंट है कि ये जो हम मैं बात कर रहा था कि ये सोच आजकल काफ़ी ये पाकिस्तान क्रिकेट डोमिनेट डोमिनेट कर रही है, पहले सोच है आपकी पीएसएल में, अब सोचना मना हो गया है, तो इसमें ये कोई एक ही बंदा तो नहीं सोच रहा है इसमें सिर्फ ये एक चीज़ जो कि मुझे ग्रेट करती है और मुझे शायद पसंद नहीं आती वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट ऑब्वियसली किसी की भी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी नहीं है, इस पर पाकिस्तान प्लेयर्स भी स्टेक होल्डर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन फैंस भी स्टेक होल्डर्स हैं, एवरीबडी हैज़ एन ओपिनियन और हर एक बहुत डिफरेंट, तो ये कहना कि सोचना मना है या वो एक थोड़ा सा मुझे भी बात नहीं अच्छी लगती। लेकिन बाबर का दूसरा ये इशू है कि शायद आप जिस तरह कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टेलविंड तो उनके साथ हैं, लेकिन एक वक्त पर दो बातें सच हो सकती हैं। एक बात यह है कि बाबर एक अमेजिंग बैटर हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो अमेजिंग बैट्समैन हों वो साथ उनकी कैप्टनसी का भी वही एक टैलेंट हो। बाबर को शायद थोड़ी सी ये चीज़ इस वक्त प्रोटेक्ट कर रही है कि ओडीआईज में या टी ट्वेंटीज में लोग कभी कभी शादाब की बात करते हैं एज अ कैप्टनसी ऑल्टरनेटिव, वो वाइस कैप्टन भी है। टेस्ट क्रिकेट में शुरू में रिजवान की बात हुई थी बट उनकी अब जगह इन द साइड, तो एक कोई क्लियर ऑल्टरनेटिव नहीं है विदाउट यू नो मे बी गोइंग बैक टू समवन, कोई क्लियर, ये शायद उन्हें इस वक्त प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन जो सोशल मीडिया कैंपेन है वो आई थिंक ना बाबर को हेल्प कर रहा है ना शाहीन को कर रहा है। हमें ये भी क्लियर नहीं है कि शाहीन ने पर्सनली ट्वीट किया या फिर आजकल बहुत सारे पाकिस्तान प्लेयर्स की मैनेजमेंट्स होती हैं, तो वो भी है कि प्लेयर्स को मिसयूज तो नहीं हो रहे प्लेयर्स अपनी अपने टू देयर ओन डेट्रीमेंट, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स आई थिंक इनका इनके एजेंट्स भी सेम ही है, एक ही कंपनी है, एक कंपनी है दोनों को जो जिनको रन करती है, वो तो बिल्कुल ठीक है। मगर मुझे ये लगता है कि प्लेयर की एक्सेप्टेंस के बगैर दे के नॉट ट्वीट ऑन देयर बिहाफ, तो इसका मतलब ये है कि पता तो है प्लेयर्स को कि उनकी तरफ से ये ट्वीट हो रही है। बट दानियल, अब जब ये हम बात कर रहे हैं सोचना भी मना, सबसे पहले तो भी क्यों है, पहले बोलना मना था, अब सोचना भी मना कर दिया उन्होंने, आप सोच भी नहीं सकते। सो ये कितना ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट करेगा बाबर के ऊपर, बिकॉज आई हैव सीन सो मैनी पीपल ऑन ट्विटर नाउ हु आर जो के फैंस भी हैं बाबर के, बट दे आर बीइंग नेगेटिव अबाउट इट कि ये मतलब दिस इज नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, दिस इज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, वी टॉक अबाउट स्पोर्ट्स, वी टॉक अबाउट रिक्रिएशनल्स में ये क्या चीज हो गई, जिसमें हमारी रेड लाइन है, ये ब्लू लाइन है, ये ऑरेंज लाइन है, ये बीआरटीज बना दी हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड क्या कहानी है। तो ये कितना ज्यादा डेंट करेगा बाबर की स्टैंडिंग। आई थिंक आई एग्री विद यू कि प्लेयर की कंसेंट के बगैर इस तरह की ट्वीट नहीं हो सकती, लेकिन प्लेयर की एट टाइम्स कंसेंट होती है कि गिव माई सपोर्ट। आगे जो जिस काउंटर अटैक पे ये जो मैसेज है ये शायद ज़्यादा अग्रेसिव है दैन शायद प्लेयर भी चाहते हो। इसका मैंने भी आप जिस तरह कह रही हैं कि नेगेटिव रिएक्शन है, डेफिनेटली है, क्योंकि सीरीज हारने के बाद काउंटर अटैक पे इस तरह जाना अक्सर हेल्पफुल नहीं होता, बिकॉज ऑलरेडी आप एक जस्टिफाई करने की पोजिशन में है, फिर वो जो आप अग्रेशन फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ वीकनेस वो एट टाइम्स ज़रा थोड़ी सी डेस्परेट ही लगती है। आई डोंट नो कि अब इसमें किस लेवल तक ये कोऑर्डिनेटेड कैंपेन है, क्योंकि काफ़ी एक क्लमजी सा हैशटैग है, तो वो अगर सडनली ट्रेंड कर रहा है तो उसमें शायद थोड़ी सी कोऑर्डिनेशन भी महसूस होती है। बट बाबर का ये है कि इस वक्त लाइक वी सेड कि बाबर के शायद क्योंकि उनका एक रिप्लेसमेंट नहीं है तो शायद वो इस वजह से सिक्योर हैं। इस तरह की चीज़ उनको मुझे नहीं नज़र आता कि किस सिचुएशन में फ़ायदा पहुँचा सकती है, इट कैन ओनली हैव अ नेगेटिव इफेक्ट। सो आई डोंट नो ये किसका आइडिया था, लेकिन I don't really see key helpful this time. और नहीं मैं तो इनसिक्योर क्यों है वैसे? जब चेयरमैन पीसीबी कहते हैं कि मुझे बाबर से आगे कोई नहीं दिखता, why is he insecure? मैं exactly अभी यही पॉइंट कहने वाला था कि बाबर आजम, देखिए यार, we all love बाबर आजम. Exactly. इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं उसमें चंद चीजें ही हैं जिसको आप कह सकते हो यार ये दुनिया में छाया हुआ है पाकिस्तान की तरफ से, पॉजिटिव खबरों की मैं बात कर रहा हूँ, तो who doesn't like बाबर आजम, मैं तो बड़ी हैरत होती है। बल्कि हमने तो ये देखा है कि किसी ने अगर बाबर की बैटिंग के ऊपर सवाल भी उठाया तो उसको तो क्रश कर दिया सोशल मीडिया पे। तुम किस तरह ये बात कर सकते हो, लुक एट द नंबर्स, यानी जब इंडियन उसको जिम्बाबर कहते थे बिल्कुल, तो पाकिस्तानी लोग आके डिफेंड करते थे, कम ऑन यार, वो तुम्हारे इस वक्त टॉप प्लेयर से अच्छा वर्ल्ड वाइड दुनिया में हर जगह सेंचुरियां स्कोर कर रहा है वो, लेकिन ये इनसिक्योरिटी वाकई, एंड दिस इज रिफ्लेक्टिंग प्रीटी बैड। देखिए, प्लीज डोंट क्रिएट अ फ्रैंकेंस्टाइन मॉन्स्टर आउट ऑफ अ ग्रेट प्लेयर, ये मुसीबत हमारे लिए बन जाएंगी ये बातें कि जी सोचना भी मना है। खुदा ना खास्ता वी वॉन्ट पाकिस्तान टीम टू विन अगेन न्यूजीलैंड, खुदा ना खास्ता न्यूजीलैंड से हम हार जाते हैं, तो क्या उस सीरीज से हारने के बाद भी ये सोचना भी मनाए वाले ट्रेंड से एक महीने डाउन द रोड, देन इट वुड बी अभी भी सोचना मना है। अभी पता नहीं, वो फिर आई मीन इसके लिए एक काउंटर हैशटैग लाना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लिए सोचो, कुछ इस तरह चल भी रहा है एक ट्रेंड मेरे ख्याल से। बट बहरहाल दानियाल, नेचुरली अच्छा, अभी बड़ी मजेदार बात,
कादिर ने मुझे एक मैसेज भेजा है और वो कह रहे हैं कि जी फास्ट बॉलर मोहम्मद अली को ड्रॉप किया गया है। मोहम्मद अली को बड़े नाजों से लेकर आए थे ना, ये बड़ा अच्छा परफॉर्म किया इसने, और चीफ सेलेक्टर कहते थे कि मोहम्मद अली का आपको क्या पता है कि वो कौन है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो उनको भी नहीं पता चला। तानिया बहुत कम टाइम रह गया हमारे पास, लाइक यू हैव गॉट अ माशाल्लाह वेरी अमेजिंग व्यू ऑफ क्रिकेट, वेयर आर वी हेडिंग टू, इज आवर क्रिकेट इन गुड स्टेट राइट नाउ? आई थिंक टेस्ट क्रिकेट काफ़ी देर से है पाकिस्तान की एक अजीब से एक अलार्मिंग स्टेट ऑफ डिक्लाइन में। मैं देख रहा था एक जब से पाकिस्तान नंबर वन बने थे तो अगर आप जिम्बाब्वे बांग्लादेश आयरलैंड के खिलाफ टेस्ट निकाल दें तो आई थिंक पाकिस्तान 12 मैच जीते हैं और 26 मैच हारे हैं, और ये लॉस रेशो में टॉप 8 में वेस्ट इंडीज़ के अलावा सबसे ये एडवर्स है। जब से ये पर्टिकुलर मैनेजमेंट आई है, और ये आई थिंक जब से सकलैन मुश्ताक फॉर एग्जांपल आए, पाकिस्तान एक भी होम टेस्ट नहीं जीते। जब से बाबर आजम कैप्टन बने हैं तो पाकिस्तान अब ये दो लगातार सीरीज ऑन द बाउंस होम पे हारे हैं। ये एक फेवरेबल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल भी थी, वीकर रिलेटिवली वीकर टीम्स थी, होम एडवांटेज था, तो दैट इज नॉट, वो ट्रांसलेट नहीं हो रहा। तो टेस्ट क्रिकेट में स्पेशली आई थिंक एक ऐसा डिक्लाइन है जो कि एज यू से फास्ट बॉलिंग में भी कोई डेप्थ नहीं है, यासिर शाह को भी रिप्लेस करने में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, विकेट कीपिंग में भी आप या रिजवान यासिर शाह के पास आते हैं, देयर इज नथिंग एल्स, और बैटिंग भी अब कमजोर है, तो दैट्स एवरीथिंग कवर्ड, और हर चीज़ के अंदर अब आपको गैप्स नजर आ रहे हैं। तो टेस्ट क्रिकेट में आपको वीकनेसेस आप छुप नहीं सकती, एक्सपोज हो जाती हैं, और ये हमने इस साल यही देखा। बिल्कुल यही देखा है, और जो जहाँ एक बात की मैं ज़रूर उस पर एक छोटी सी चीज़ ज़रूर दानियाल से जल्दी से पूछूंगी कि एक चीज़ जो आपने कहा कि हमें दिख नहीं रही, डेप्थ नहीं दिख रही, हम पिछले शायद एक साल से मीडिया चीख रहा था कि रोटेशन, और आगे से जवाब भी आता था खेलते कितने मैच हैं, बट नाउ द कैप्टन हिमसेल्फ इज सेइंग यस, इनको इनका वर्कलोड मैनेज करना पड़े। डू यू थिंक माइकल, अभी हेडन ने भी ये बात कही थी कि पाकिस्तान टीम इज रिएक्टिव, डू यू अग्री टू दैट स्टेटमेंट? शायद पाकिस्तान टीम रिएक्टिव है, लेकिन अब हमें ये भी समझ आती है कि शायद रोटेशन से इतने रेजिस्टेंट क्यों थे, क्योंकि शायद नीचे उस तरह से डेप्थ नहीं है जिसमें ये कंफर्टेबल फील करते हैं। रिएक्टिव तो पाकिस्तान टीम होगी, जो कि इसलिए भी है पार्शली क्योंकि मीडिया फैंस का भी इन पे इतना ये कंफर्टेबल फील करते हैं, या कोई है नहीं अवेलेबल, ये दैट्स द इशू। हम रोटेशन तभी पॉसिबल होती है व्हेन यू हैव द लग्जरी ऑफ रोटेशन। तो ये जिस तरह फॉर एग्जांपल इंडिया में आप देखते हैं कि उनके पास वाकई एक काफी लंबा पूल है जिसमें एक शिखर धवन की टीम है और एक एक्चुअल इंडिया की टीम है, तो पाकिस्तान में उस तरह से वो लेवल ऑफ डेप्थ नहीं है, एंड दैट इज अ कंसर्न, क्योंकि क्रिकेट फॉर्मेशन जितनी भी खेली जा रही है उसमें आपको डेप्थ चाहिए। ग्रेट दानियाल, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू इन आवर स्टूडियो, और उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हमारे साथ आप होंगे। वेल, इट वाज अ वेरी नाइस डिस्कशन दैट वी हैड, सो मेनी इश्यूज आ रहे हैं, इसका ट्रिकल डाउन स्पिल ओवर कर भी होगा, कुछ नहीं पता कल क्या नई ब्रेकिंग न्यूज पीसीबी के हवाले से आ जाएगी तो हम उस ट्रक की नई बत्ती के पीछे लग जाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात हमारी कल होगी। सवेरा और अदील को इजाजत दीजिए, टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस एंड अल्लाह हाफिज़।